भूतिया हवेली। रात का अंधेरा बढ़ते ही गांव में हवेली की कहानियां जोरों पर थी। लोग कहते थे कि हवेली में अजीब गरीब घटनाएं होती हैं। किसी ने हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन एक साहसी युवक अजय ने इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। अजय हवेली में पहुंचा और अंधेरे में उसकी भयानक छाया को देखकर उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। हवेली का दरवाजा जर्जर था। वो जैसे ही उसने उसे खोला, एक अजीब सी ठंड हवा उसे छूने लगी। अजय ने लाइट जलाई और हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जो जैसे ही अजय की आंखों से मिलते, उनकी आंखों में डर की चमक पैदा कर देते। अजय ने धीरे धीरे घर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और आखिरकार एक पुराने और धूल भरे कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। अजय ने उसे खोलने की कोशिश की और जैसे उसने दरवाजा खोला, अचानक कमरे में सर्द हवा का झोंका आया। अलमारी में एक पुरानी लकड़ी का बक्सा था। अजय ने बक्सा खोला और उसमें एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली के मालिक की आत्मा यहाँ बसी हुई है, जो कभी शांति नहीं पा सकी। वह आत्मा केवल उन लोगों को परेशान करती है जो उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अजय ने पत्र पढ़ा, एक खौफनाक चीख कमरे में गूंज उठी। अजय ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बक्से का ढक्कन अपने आप बंद हो गया और कमरे में अजीब से साये बनने लगे। अजय ने हवेली के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि हवेली की आत्मा ने उसे पकड़ लिया है। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और हवेली से बाहर निकलने में सफल रहा। उस रात के बाद अजय ने कभी भी हवेली के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। गांव वाले अभी भी हवेली की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कोई भी उस हवेली पर जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली में क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही।